बुलंदशहर से रेशु कुमार पत्रकार की रिपोर्ट। अज्ञात हमलावरों ने स्थायी गौशाला कर्मी को धारदार हथियार से हमला कर किया घायल। बुलंदशहर देर रात अज्ञात हमलावरों ने स्थायी गौशाला कर्मी को धारदार हथियार से हमला कर किया घायल। सुबह स्थानीय लोगों को घायल अवस्था में गौशाला पर मिला गौशाला कर्मी नरेश, मौके खून से लथपथ मिली। कुल्हाड़ी सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में कराया भर्ती। गंभीर हालत में हायर मेडिकल रेफर। शिकायत के आधार पर जांच में जुटी पुलिस। पूर्व में भी स्थायी गौशाला में हो चुकी है चोरी की वारदात। बुलंदशहर के खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र के पूरा खेड़ा मुंडा खेड़ा गाँव स्थित स्थायी गौशाला का घटना। नाम है आपका? मनोज कुमार। मनोज जी, ये जो घायल आया क्या मामला है? ये मुंडा खेड़े में स्थायी गौशाला रखी थी, जब सरकार के दबाव में जो बनी थी उसे, ये डेढ़ दो साल से जो है गौशाला चल रही है। और अभी एक बार पहले पूर्व में भी एक बार बैटरा चोरी हो गया और अब रात एक ऐसी घटना घटी है जो बड़ी कष्टकारी है। इनके जो है नरेश जी के किसी धारदार हथियार से वार करें और कई वार करें, जिनके जो है सिर में काफ़ी चोटें हैं। क्या लगता है वो गाय चुराने आए थे, क्या चुराने आए थे? कहीं तक अनुमान यही है कि जब इस तरह की मारपीट करी है तो गौशाला में से गाय चोरी का ही प्रकरण महसूस होता है, जैसा प्रतीत होता है। क्या कोई हथियार भी मिला है वहाँ? कुल्हाड़ी वगैरह? कुल्हाड़ी रखी हुई है और कुल्हाड़ी से भी वार कराया और चाकुओं से भी वार लग रहे हैं, जैसे सिर पे दिखाई दे रहे हैं। तो गंभीर हालत है जी, बहुत काफी गंभीर हालत है।